चारे का ऐलान होना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी द्वारा भी नॉमिनेशन जो था वो फाइल किया गया था। आपको ये बता दें कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री और उनके नाम का औपचारिक ऐलान अभी बाकी। रात 8 बजे शपथ लेंगे शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ के भाई हैं, सेना के फौज के पाकिस्तानी फौज के फेवरेट बताए जाते हैं। इमरान खान सत्ता से आउट हुए और इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ और विपक्ष जो है वो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है, उनके खिलाफ साजिश की गई। और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि 8 बजे पीएम पद की शपथ लेंगे शहबाज शरीफ। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पीटीआई तहरीक इंसाफ पार्टी ने असेंबली की प्रक्रिया का बहिष्कार किया, ये भी आपको बता रहे हैं। पीटीआई जो कि इमरान खान की पार्टी है, और लगातार आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह जलसों का और प्रदर्शन का आयोजन पीटीआई द्वारा किया जा रहा है। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश उनके द्वारा पार्लियामेंट के बाहर कल से आपने लगातार देखी है। उसके पहले भी उसके सपोर्टर सड़क पर आए थे, ये एक तरह से जवाब देने की कोशिश। शहबाज शरीफ जिस तरह से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, उससे पहले पीटीआई ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ये आवाम का प्रधानमंत्री नहीं है, ये विदेशी ताकतों द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री। ये आरोप इमरान खान नियाजी का है। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने असेंबली की प्रक्रिया का बहिष्कार किया। और इस बीच जो बड़ी खबर है, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, हालांकि इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ये एक फॉर्मेलिटी थी क्योंकि जो ऑपोजिशन एक साथ आई, जो अलायंस था, उसके द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया था। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी को, जो कि पीपीपी के चेयरपर्सन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं, उनको कई बार ये कहते हुए सुना कि शहबाज शरीफ उनके गठबंधन के पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और इस सबके बीच 8 बजे शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे।